नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमजी के भंडारा में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल होम गार्ड का मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें आपको जीके और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी यात्री फाहियान किसके गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाण भट्ट निम्न में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जे.जे. थॉमसन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपको पता होगा पहले तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग में लाई जाती थी, पर अब जो यूज़ में की जाती है वो है फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो जैसा कि आपको पता है कि जनगण मन के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है जो है अमार सोनार बांग्ला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम के। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या करेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, या ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है स्टील में। तो साउंड की जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वो होती है सॉलिड में, और वैक्यूम में ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है ज़ीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टाइटेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली की सुल्तान रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इल्तुतमिश। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो बंगाल का शोक होता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दामोदर नदी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसका सही आंसर होगा 1961। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कस्तूरबा गांधी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ओ ह्यूम। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे बकीम चंद्र बनर्जी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है इसके साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना करी है वो करी है आत्माराम पांडुरंग ने। 19 क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा जो है उसका भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शहतूत की पत्ती। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो, अगर आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो इसका जो आंसर है वो है शेरशाह सूरी।